हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं इस वीडियो में आज बनाने वाली हूँ ग्रीन पुलाव। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है पालक। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हरी लहसुन। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से अदरक। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्च। मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी। इसका मैं एक अच्छा सा एक पेस्ट बना लूँगी पहले। और ये मेरा पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में घी ले लिया है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल भी ऐड कर रही हूँ। मैंने घी इसलिए लिया है क्योंकि घी के फ्रेग्रेंस से खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप चाहे तो सिर्फ तेल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी तेज पत्ता, ब्लैक पेपर, लौंग, तज, इलायची और थोड़ा सा जीरा। और फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। मैं प्याज को थोड़ी देर अच्छे से पकने दूँगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से मटर। इन सबको मैं थोड़ी देर अच्छे से पकने दूँगी। सो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कैबेज यानी बंद गोभी और इसे भी थोड़ी देर पकने दूंगी ऐसे ही। और नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्ची। अगर आपको तीखा ज़्यादा ना पसंद हो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी मैंने इसे 5 से 6 मिनट ऐसे ही पका लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन कलर का जो हमने पेस्ट बनाया है वो। ग्रीन कलर का मैं पेस्ट बना के मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगी। जब तक ये ग्रीन कलर के मसाले में से तेल ना छूटने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से ऐसे ही पकाना है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। ख्याल रखिएगा कि पानी ज़्यादा आप ना यूज़ करें। अगर आपने ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया तो हमारे ये पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। फिर अभी हमें इसमें ऐड कर देना है टमाटर और कैप्सिकम। ऊपर से थोड़ा और घी डाल दूंगी जिससे खाने में और ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा ये। मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा गरम मसाला। और अभी मैं इस कुकर को बंद कर दूँगी। हमें इसे एक सीटी आने तक ऐसे ही पकने देना है। कुकर में एक सीटी आ चुका है और हमारा पुलाव भी बन के बिल्कुल रेडी है। सो मेरा पुलाव भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इसे चिपका हुआ भी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।